गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी डिफेंस गुरुकुल पर। मैं उज्जवल आपके करंट अफेयर सेशन डिस्कस करूंगा। चलिए, स्वागत है आप सभी का जय हिंद जय भारत के साथ में। सेशन की हम शुरुआत करेंगे, जल्दी से सेशन में जुड़ जाइए। टुडे इज व्हाट, टुडे इज अ न्यू वीक स्टार्टिंग मंडे 23rd of October, सो वी हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर दिस वीक एंड अटेम्प्ट अवर डेली वीकली टारगेट्स। सो वेलकमिंग यू ऑल टू टुडे सेशन। चलिए सेशन से जुड़ जाइए जल्दी से। चलिए, कल के दिन अगर आपने संडे के दिन सेशन अटेंड किया होगा, हमने 2 आवर्स प्लस का यहाँ पर स्पेशल रिवीजन सेशन लिया था, मैराथन सेशन था। तो आई एम श्योर दैट यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ अ वीकली रिवीजन, एंड ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द वेरियस इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द RSSBs, रूटीन, फिजिकल, मेंटल एक्सरसाइज, सभी हमने डिस्कस किया था कल के मैराथन सेशन में। इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, सो प्लीज गो आफ्टर दिस सेशन एंड वॉच्ड इट। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहा कल का, हमारा मैराथन सेशन था जिसमें हमने वीकली रिवीजन कंडक्ट किया था। चलिए जी, स्वागत है सभी का, जय हिंद जय भारत। जस्ट कमेंट सेक्शन में अपना प्रेजेंस दे सकते हैं आप, और बता सकते हैं कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, कौन से स्पेसिफिक एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। अमित त्रिपाठी जी, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, हाउ आर यू अमित त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका सेशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन है, सफलता CDS 2.2 CDS कंप्लीट बैच कंडक्ट किया जा रहा है अन अकेडमी के द्वारा, जिसमें आप कंप्लीट प्रिपरेशन पाएंगे आपके अपकमिंग CDS एग्जामिनेशन की। 3 months का लाइव कॉम्प्रिहेंसिव बैच आपको मिलेगा, साथ ही टॉपिक वाइज नोट्स अवेलेबल। हु विल बी प्रेजेंट फॉर योर फैकल्टीज लाइक प्रशांत जगताप सर, ही इज एन एक्स असिस्टेंट कमांडेंट, श्री प्रतीक सर, सिद्धांत शर्मा सर एंड संदीप कुमार सर विल टेक योर क्लासेस फ्रॉम October 26, दैट इज सफलता CDS 2.2 बैच। जी बिल्कुल अमित त्रिपाठी जी, जैसा आपने कहा था कल हम जीत गए, एंड व्हाट अ ब्रिलियंट नॉक प्लेड बाय द विराट कोहली वंस अगेन, एंड आई थिंक रोहित शर्मा हैज लेड अ वेरी गुड फाउंडेशन बाय अटैकिंग द कीवी बॉलर्स फ्रॉम द फ्रंट इन द मैच। मूविंग ऑन, NDA संकल्प NDA 2.0 NDA कंप्लीट बैच टू बी कंडक्टेड फ्रॉम द October 26। ठीक है, धीरज शर्मा सर, संदीप ब्रार सर, सनी वर्मा सर, शिवालिका मैम विल बी देयर फॉर यू फॉर दिस सेशन। कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर NDA एग्जामिनेशन, 3 months लाइव कॉम्प्रिहेंसिव बैच एंड टॉपिक वाइज नोट्स अवेलेबल। चलिए, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। मूविंग ऑन, दिस इज अवर बैकग्राउंड and after that we can start with our session. I think many people have joined, and do guys share this session with your defense aspirants so that they can prepare well. Chali, so most important news for a defense aspirant, here it is that India likely to sign deal with US for 31 MQ-9B drones by February 2024. तो द हिंदू का आर्टिकल है, किसके बारे में बात कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रीडेटर ड्रोन इसे कहा जाता है, और सबसे एडवांस, सबसे घातक ड्रोन है ये अभी तक वर्ल्ड के अंदर, विच इज 31 MQ-9B ड्रोन, और किस कंट्री का है, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। नम्रा सिद्दीकू जी, जय हिंद जय भारत, स्वागत है आपका सेशन में। चलिए जी, बिल्कुल बिल्कुल अमित त्रिपाठी, आई विल लेट यू नो। चलिए, द डील फॉर द 31 MQ अनमैन एरियल व्हीकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है अनमैन एरियल व्हीकल। अभी रिसेंट में आपने सुना होगा कि कश्मीर के अंदर भारत के एक कमांडिंग ऑफिसर और एक मेजर की मार्टिडम हुआ था, सुप्रीम सेक्रीफाइस उन्होंने अटेंड किया था, बहुत ही ज्यादा दुर्गम घाटी के अंदर वो ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था, वहां पर टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करने वाले थे, और ऐसी सिचुएशन के अंदर ये ड्रोन्स काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये इक्विप्ड रहेंगे मिसाइल से, ये एक अटैकिंग ड्रोन रहेंगे। तो अगर इंडिया को सर्विलेंस करना है चाइना बॉर्डर पर या फिर पाकिस्तान बॉर्डर पर, ये ड्रोन्स बहुत ही ज्यादा कारगर रहेंगे, जो कि यूएसए की सबसे बड़ी नींव मानी जाती, सबसे बड़ा हथियार माना जाता है ये यूएसए वेरियस कंट्रीज के ऊपर, जैसे इजराइल, ईरान हो गया, सीरिया हो गया, वहां पर अपना लोहा मनवा चुका है MQ-9B रीपर ड्रोन के द्वारा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल नमराजी, अमित त्रिपाठी जी, इफ यू टॉक अबाउट हियर
इसकी जो है काफी समय से बात चल रही थी कि इंडिया जो है पिछले साल से यूएस के साथ में समझौते के रूप में था कि कब कब हम MQ-9B रिपर ड्रोन को शामिल करेंगे इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर। तो ये देख सकते हैं February 24 यहाँ पर तय किया गया है, इस दौरान डील साइन होगा क्योंकि जो बाइडेन विजिट करेंगे इनवाइटेड है इंडिया के लिए 26 रिपब्लिक डे पे। ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया यूएसए की तरफ से, लेकिन एज यू नो हाउ डीप फ्रेंडशिप बिटवीन जो बाइडेन एंड पीएम नरेंद्र मोदी, एंड आई एम श्योर दैट बिकॉज इलेक्शन ईयर इज गोइंग ऑन फॉर बोथ द कंट्रीज ऑल्सो, यूएसए में भी इलेक्शन है 2024 के अंदर, इंडिया में भी 2024 के इलेक्शन है, और इंडिया की ओरिजिन पीपल्स यूएसए में बहुत ही ज्यादा है, तो इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए यहाँ पर जो बाइडेन जरूर इंडिया आएंगे। और यूएसए का किस तरीके से एक इन्फ्लुएंस है भारत के ऊपर, बिकॉज इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी सशक्त कंट्री है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगा, इसलिए वो भी चाहेंगे कि यूएस विल बी इन्वाइटेड टू 26 जनवरी रिपब्लिक डे। चलिए 2027 तक हमको डिलीवर भी हो जाएंगे ये ड्रोन्स एंड 3 ईयर्स फ्रॉम द साइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, हम कौन कौन से यहाँ पर लेमो साइन करते हैं, आपको एग्रीमेंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, लेमो करके एग्रीमेंट होता है, बेका एग्रीमेंट होता है जो कि यूएसए के साथ साइन करना पड़ता है व्हेन यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ अ डील विथ यूएसए। तो लेमुआ बेका एग्रीमेंट्स ये जरूर ध्यान रखिएगा, इट विल हेल्प यू इन योर इंटरव्यूज एंड ऑल्सो टू रिकग्नाइज इफ कमिंग इन द एग्जामिनेशन लाइक वॉट इज लेमुआ एंड बेका रिलेटेड टू विच कंट्री। तो ये ध्यान रखिएगा, आप यूएसए से बिलोंग करते हैं ये। चलिए यहां पर देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये रीड करना कि मिनिस्ट्री क्लियर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 31 कितने MQ-9B ड्रोन्स लेने वाले हैं। बिल्कुल हम नम्रा जी त्रिपाठी जी, 31 MQ-9B। ठीक है, तो 31 कहाँ कहाँ लगाएंगे आप बता सकते हैं नम्रा जी, अमित त्रिपाठी जी? मेरे हिसाब से मैं पांच, तो पांच से ज्यादा तो तैनात कर दूंगा पूरे चाइना बॉर्डर पर। ठीक है, फिर दो तीन तैनात करेंगे हम सिक्किम के इधर, फिर अरुणाचल के इधर। ठीक है, इस तरीके से हम हमारे प्रीडेटर ड्रोन से बहुत ही सुरक्षा कर सकते हैं, हमारे जवानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे एरियाज के अंदर हम ड्रोन्स को सेंड कर देंगे ताकि हमारे जो जवानों की लाइफ है वो भी बहुत ही प्रीशियस है, इस ऐसे एरियाज में जाकर इन्हें तैनात करेंगे ताकि वहां पर मैन प्रेजेंस पहुंचना मुश्किल हो। चलिए जी, आप बता सकें कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि कहां पर आप तैनात करेंगे 31 MQ-9B ड्रोन्स को। चलिए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं, व्हाट आर MQ-9B ड्रोन्स? तो इसे MQ-9 रीपर कहा जाता है, विच वॉज यूज टू लॉन्च मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द हेलफायर मिसाइल्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहां पर यूज किया गया था? अलकायदा लीडर को यहां पर जब डेथ पहुंचाई थी, ठीक है, यूएसए ने काबुल के अंदर, इसे अरमान अल जावरी को तब इस MQ-9 रीपर को यूज किया गया था। उसके बाद में MQ-9B के टू वेरियंट्स है, डेट इज स्काई गार्डन एंड सी गार्डियन। ठीक है, स्काई गार्डन और सी गार्डियन करके यहां पर इसके दो वेरियंट्स है, और इंडियन नेवी है, आप देख सकते हैं MQ-9B सी गार्डियन को 2020 से यूज कर रही है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर हम सी गार्डियन को 2020 से यूज कर रहे हैं इंडियन नेवी एज अ। ठीक है, हम स्काई गार्डियन को परचेस करने की बात की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंशिएट याद रखना, सी गार्डियन जो यूज किया जा रहा है नेवी के द्वारा, स्काई गार्डियन हम यूज करेंगे और इसकी डील साइन करेंगे हम February 24 में। साथ में अगर बात किया जाए 40,000 फीट तक ये ऑपरेट कर सकता है, इंडियन मिलिट्री को सर्विलेंस के अंदर बहुत ही ज्यादा सुटेबिलिटी प्रोवाइड करेगा हाई एल्टीट्यूड हिमालयन बॉर्डर एरियाज के अंदर। इसकी मैक्सिमम एंड्यूरेंस कितनी है? 40 आवर्स तक। ठीक है, 40 आवर्स तक इसका एंड्यूरेंस है, ये विदाउट एनी सपोर्ट 40 आवर्स तक चल सकता है, तो बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए यूज किया जा सकता है, डिटेक एंड अवॉइड सिस्टम, एंटी स्पूफिंग GPS, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन लिंक। आप सभी ने आई एम श्योर जी, बिल्कुल अमित त्रिपाठी जी,
आप सभी ने उरी मूवी देखा होगा, ठीक है। उरी के अंदर किस तरीके से ड्रोन यूज किया गया था, तो वो जो ड्रोन था वो इक्विप्ड नहीं था विथ मिसाइल्स और एनी फायरिंग टेक्नोलॉजी, बट इट वॉज वेरी यूजफुल फॉर द इंडियन आर्मी एट दैट टाइम। एंड ऑल्सो यू कैन सी दैट हाउ ड्रोन्स कैन बी यूजफुल फॉर द आर्मीज एंड ऑल्सो फॉर द डिफेंस फोर्सेस। चलिए MQ-9B के बारे में बात किया जाए यहाँ पर, तो इसका वेट है ऑलमोस्ट 5,670 किलोग्राम्स का। फिर फ्यूल कैपेसिटी इसके आप देख सकते हैं, इसके अंदर क्रू कितना है, 2 पायलट्स इन ग्राउंड, ठीक है। 2 पायलट्स इन ग्राउंड इसको कंट्रोल करेंगे, इसके ग्राउंड सिचुएशन पे 2 पायलट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। वेपन इसमें क्या क्या लग सकते हैं, लेजर गाइडेड मिसाइल्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स, ठीक है। ये तीनों यहाँ पर गाइडेड रहेगी। बिल्कुल नम्रा जी, अमित त्रिपाठी जी, चलिए एक इंपॉर्टेंट बात करें यहाँ पर कि इंडिया का जो एयर वर्जन, एयर फायर वर्जन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन सी है जो कि एयर से फायर की जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एफकेट के अंदर पूछा गया था, व्हाट इज अवर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विच इज फायर, विच इज एयर वर्जन ऑफ दैट मिसाइल, ठीक है। जैसे कि नाग मिसाइल है वो आपकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसको अगर एयर के थ्रू छोड़ा जाए, एयर के थ्रू यूज किया जाए, तो उसका वर्जन का नाम क्या है, यू कैन आंसर इट इन कमेंट सेक्शन। चलिए मिशंस आप देख सकते हैं यहाँ पर, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए यूज किया जा सकता है, सर्च एंड रेस्क्यू, लो एनफोर्समेंट के लिए यूज किया जा सकता है। मान लीजिए कि इंटरनल सिक्योरिटी भारत की बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है, लाइक इन द मणिपुर सिचुएशन, सो हम उसको सर्वेलेंस के यूज कर सकते हैं। लॉ एनफोर्समेंट के लिए यूज किया जा सकता है, बॉर्डर एनफोर्समेंट, डिफेंसिव काउंटर एयर, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। इन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोट्स दैट हाउ द यूज ऑफ ड्रोन कैन बी। चले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इसे यूज किया जाता है, एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन, एयरबोर्न माइन काउंटर, लॉन्ग रेंज एंड ओवर द होरिजन। तो आई हैव आस्क यू वन क्वेश्चन दैट रिगार्डिंग दिस, हुज आंसर इज हेलिना, ठीक है। नोट कीजिएगा, हम हेलिना यूज करते हैं, नाग का एयर वर्जन है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का, यह भी ध्यान रखिए। भारतीय निर्मित DRDO निर्मित ड्रोन कौन सा है, रुस्तम, ठीक है। चलिए उसको भी डिस्कस करेंगे। यहां तक MQ-9B रिपर के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूविंग ऑन। जी बिल्कुल अमित त्रिपाठी जी, एनी वन हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग अमित त्रिपाठी जी, नम्रा जी, किसी को कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? चलिए आई एम श्योर हाउ योर संडे वेंट अमित त्रिपाठी जी, और मेरा संडे तो बहुत ही अच्छा निकला, क्योंकि इंडिया जो है मैच जीत गया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आफ्टर 2000 के बाद में भारत ने किसी भी ICC टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड को डिफीट नहीं किया था, इसलिए कल का दिन तो हमारा बहुत अच्छा रहा। नम्रा जी आप बता सकते हैं आपका दिन कैसा रहा, आपने क्या क्या टारगेट्स अचीव किए, रिवाइज किया और आपने क्या एक्टिविटीज कंडक्ट किया? चलिए भारतीय, चलिए भारत को नीड क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड राइट इट डाउन इट्स नोट्स, दैट इंडिया को इस ड्रोन की नीड क्या है, क्योंकि सर्विलेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटीज इंक्रीज होगी हमारी लैंड और मैरीटाइम बॉर्डर्स पर, ठीक है। ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ विद चाइना, चाइना के अंदर हम लद्दाख के अंदर इसे यूज कर सकते हैं, पाकिस्तान के साथ टेंसेज हो, इन्फिल्ट्रेशन हो, बॉर्डर एरियाज हो, कोई भी, तो उसके अंदर ये बहुत ही ज्यादा कारगर साबित रहेगा। चाइनीज सबमरीन्स और वॉरशिप को यहाँ पर काउंटर करने के लिए, ठीक है, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, कोस्टल सिक्योरिटी है, अंडमान एंड निकोबार की सिक्योरिटी से लक्षद्वीप की, इसके द्वारा हम इसे एंश्योर कर सकते हैं। कोई भी अगर सी के अंदर भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है कोई एक्टिविटीज, तो उसके लिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए जी यहाँ पर देख सकते हैं भारत अभी करंट में कौन कौन से ड्रोन्स यूज कर रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट आर द प्रिपेयर्ड बाय द ड्रोन्स लाइक DRDO निशांत, वेरी गुड अमित त्रिपाठी जी, वेरी गुड सेशन यू हैड इन द संडे टुमोरो।
डे यस्टरडे ओके। डीआरडीओ निशांत, अभ्यास, डीआरडीओ घातक, ठीक है, आर्चर है, देन इंडिया यूएस जॉइंट एल यूएवी टारगेट प्रोग्राम, आर यूएवी 2000, देन त्रिनेत्र इज अ इम्पोर्टेंट ड्रोन, डीआरडीओ रुस्तम, ठीक है, भारत का बहुत ही एडवांस्ड यूएवी है, यहाँ पर रुस्तम है, रुस्तम सेकेंड उसका वर्जन, ठीक है। डीआरडीओ लक्ष्य इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, डीआरडीओ नेत्र निशांत, ठीक है, ये सारे ड्रोन्स भारतीय आर्म फोर्सेस के द्वारा यूज किए जाते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यहां पर तो सिचुएशंस इन द गाजा स्पिरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल सेज WHO चीफ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पिरलिंग का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर, कि जो है वो एकदम घुमावदार सिचुएशंस में होती जा रही है, कि गुत्थम गुत्थी भी इसका वर्ड हो सकता है हिंदी के अंदर, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं वोकैब के लिए, क्योंकि द हिंदू के जो वर्ड्स होते हैं वो आपके एग्जामिनेशन का पार्ट बनते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द NDA, CDS, CAPF, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम सब चीजें कवर करके चलेंगे। चलिए जी, ये कौन है आपके, टेड्रोस एडोनम गेब्रेस जी, ठीक है। आप सभी ने देखा होगा कि ये इंडिया जब विजिट किए थे WHO चीफ, तो किस तरीके से इनका गुजरात में स्वागत किया गया था, और टेड्रोस भाई के नाम से यहाँ पर इनको रेफर किया था नरेंद्र मोदी ने ड्यूरिंग द समिट, बिकॉज इनके कोई ओरिजिन्स बिलोंग करते थे यहाँ पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग भी रही थी WHO चीफ की, जब इन्होंने भारत विजिट किया था। टेड्रोस एडोनम गेब्रेस जी आपके करंट में WHO के चीफ है। चलिए, वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेंथन टाइम्स विद चाइना सेज रशियन पुतिन, ठीक है। रशिया व्लादिमीर पुतिन वॉज ऑन द विजिट ऑफ चाइना, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट और सीन अबाउट दिस न्यूज, वाई, बिकॉज BRI प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक एनुअल सेरेमनी और मीटिंग कंडक्ट की गई थी, जिसमें 130 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, और वन ऑफ देम वॉज व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। एक सरप्राइज विजिट था यहाँ पर चाइना में इस दौरान, आप देख सकते हैं, जब से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पुतिन के ऊपर अरेस्ट वारंट जारी किया था, ठीक है, ड्यू टू रिलेटेड टू वॉर क्राइम्स कमिटेड बाय रशिया एलिगेशंस रिगार्डिंग। सो यहाँ पर जो पुतिन काफी समय से किसी और कंट्री के बायलेटरल मीटिंग्स में नहीं गए थे, भारत भी G20 विजिट नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पर चाइना विजिट करना दर्शाता है कि किस तरीके से चाइना की डिप्लोमेसी अराउंड द वर्ल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर। सो यू कैन सी नीरज चोपड़ा नॉमिनेटेड फॉर द मेंस एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज रिसेंटली। सो लॉरियस के एम्बेसडर भी यहां पर नियुक्त किए गए नीरज चोपड़ा जी को। नीरज चोपड़ा जी नॉमिनेटेड फॉर मेंस एथलीट ऑफ द ईयर, एंड आई थिंक एंड यू ऑल्सो रिलेट विद दिस, कि अभी करंट सिचुएशन में नीरज चोपड़ा से बड़ा स्पोर्ट पर्सन और एथलीट भारत के अंदर नहीं है इनके कैलिबर का, क्योंकि जिस तरीके की इनकी अभी उपलब्धियां रही है रिसेंट टाइम्स में, सबसे पहले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, उसके बाद में डायमंड लीग के अंदर गोल्ड मेडल जीता, देन अगेन सिल्वर मेडल आया इनके हाथ में डायमंड लीग के अंदर, फिर एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल, ठीक है, कॉमनवेल्थ में ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे ड्यू टू इंजरी रीजंस, बट मैं अगर उसमें पार्टिसिपेट करते तो शॉर्ट शो उसमें भी इनका गोल्ड मेडल आया। तो आप बता सकते हैं कि इनसे बड़ा एथलीट अभी करंट में, आई डोंट थिंक दैट एनीवन इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड विनिंग द मेडल्स और रेजिंग द इंडियन फ्लैग हाइयर एंड हाइयर एट एवरी कॉम्पिटिशंस। चलिए, तो नीरज चोपड़ा जी को एक और पोजीशन यहां पर दी गई है। ठीक है, लोरेस एम्बेसडर यहाँ पर नियुक्त किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू लोरेस एम्बेसडर। लोरेस एक काम क्या करती है, वर्ल्ड के अंदर स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए काम करता है। लोरेस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके एम्बेसडर के रूप में भी यहाँ पर नीरज चोपड़ा जी को नियुक्त किया गया है। इफ यू टॉक अबाउट एशियन गेम्स मेडल, हियर यू कैन सी दैट हिम विद द टोक्यो 2020 गोल्ड मेडल, ठीक है। हिट कितना था इनका, 87.5
87.58 मीटर का हिट था यहां पर टोक्यो के अंदर और एशियन गेम्स के अंदर, ठीक है, 88.8 मीटर था एशियन गेम्स के अंदर। तो धीरे धीरे ये अपने जो कैपेबिलिटीज है उसको दर बदर इंक्रीज करते जा रहे हैं। एंड आई एम श्योर एंड आई विश दैट नीरज चोपड़ा विंस अगेन। ठीक है, तो 2024 का ओलंपिक्स कहां पर हेल्ड होगा आपका? फ्रांस पेरिस के अंदर, और नीरज चोपड़ा जी वहां पर भी गोल्ड जीते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया के लिए। बिल्कुल अमित त्रिपाठी जी, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 2028 एले लॉस एंजलिस में शामिल किया गया है क्रिकेट को। क्रिकेट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हैज बिन इंक्लूडेड इन द ओलंपिक्स गेम्स ड्यूरिंग द 2028 लॉस एंजलिस गेम्स। ठीक है, तो इसमें बहुत ही अहम योगदान रहा विराट कोहली का। विराट कोहली का सबसे बड़ा अहम योगदान रहा टू इंक्लूड क्रिकेट इन द लॉस एंजलिस ओलंपिक्स गेम्स। बिकॉज ऑफ द पॉपुलरिटी, बिकॉज ऑफ द फॉलोअर्स ही हैड ऑन द वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो आपने अगर स्पीच सुना हो ड्यूरिंग द 131st सेशन ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, कहां पर कंडक्ट हुआ ये? मुंबई में जियो सेंटर में कंडक्ट हुआ था 131st सेशन ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। इस दौरान आपने स्पीच सुना होगा, तो बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस रहा क्रिकेट को शामिल करने में। जिस तरीके से लेब्रोन जेम्स, टाइगर वुड्स एंड टॉम ब्रेडी तीनों के कंबाइन से भी ज्यादा यहाँ पर फॉलोअर्स है विराट कोहली के। नम्रा जी ऐप पर हमारी टाइमिंग है 9:30 फॉर द डेली न्यूज एनालिसिस सेशन एंड 1 PM फॉर द MCQ सेशन। ठीक है, आई एम श्योर आप पहले भी ज्वाइन किए हैं आई थिंक MCQ सेशन के लिए नम्रा जी। सो आप MCQ सेशन 1 PM पर ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही डेली न्यूज एनालिसिस का सेशन जिसमें वेरियस इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं ऑन द अन अकेडमी ऐप, एंड दैट इज ऑल्सो अ फ्री स्पेशल क्लास यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स। दो बोथ द शेड्यूल इज लाइक दिस। जी बिल्कुल नम्रा जी, मुंबई, बिल्कुल मुंबई में कंडक्ट हुआ था जियो वर्ल्ड, जियो का एक सेंटर और इनोग्रेट हुआ था उस, वहां पर यूज किया गया था। ठीक है, इंडियन ओलंपिक कमिटी सेशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इफ यू टॉक अबाउट इंडियन ओलंपिक कमेटी, आप सभी को पता है प्रेसिडेंट कौन है? पीटी उषा जी। नोट कर सकते हैं, पयोली एक्सप्रेस के नाम से फेमस है पीटी उषा जी, इंडियन ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट है। इफ यू टॉक अबाउट हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इंडियन ओलंपिक कमेटी, इट इज MC मैरीकॉम। ठीक है, MC मैरीकॉम जी यहां पर आपकी चेयरमैन है। चलिए, तो देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर कंडक्ट किया जाता है मेंस एथलीट ऑफ द ईयर। या अभी यहां पर नॉमिनेटेड है कौन कौन, अदर एथलीट्स यहां पर नॉमिनेटेड है इस दौरान, देख सकते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2023 के आप यहां पर। जी बिल्कुल पीटी उषा जी, सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है? ए पैनल ऑफ इंटरनेशनल एथलीट एक्सपर्ट्स रिप्रेजेंटेटिंग ऑल 6 कॉन्टिनेंटल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स। ठीक है, तो 6 कॉन्टिनेंटल एरियाज से यहाँ पर शामिल किया जाता है इस पैनल के अंदर, और 11 नॉमिनीज को सेलेक्ट किया जाता है फॉर द नॉमिनेशन फॉर अपकमिंग मैंस एथलीट ऑफ द ईयर। देख सकते हैं इसके अंदर अभी कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, रायन क्रूजर जो कि शॉट पुट प्ले करते हैं, उसके बाद में मोंडो डुप्लांटिस पोल वॉल्ट कंडक्ट करते हैं, देन एल बेलकली 3000 मीटर स्टीपल चेस, जैकब एंग्रिप्सटन 1500 और 5000 मीटर में ये पार्टिसिपेट करते हैं, कैल्विन किप्टम जो कि मैराथन, मैराथन आपके कितने किलोमीटर्स का होता है? इट इज 42 किलोमीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं कि मैराथन कितने किलोमीटर्स का होता है, तो ध्यान रखिएगा इट इज कंडक्टेड ऑफ 42 किलोमीटर्स। देन पीएससी लेपेज डेकेथलोन, डेकेथलोन कैसे कंडक्ट होता है आपके? तीनों पार्टिसिपेंट नहीं सॉरी टू पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसके अंदर, 10,000 मीटर्स आई गेस। चलिए, यू कैन चेक विद द डेकेथलोन इवेंट। नोआ लाइस, ठीक है, 100 से 2 मीटर, अल्वारो रेसवोक
मिल्टा डी स्टेंगलो लॉन्ग जंप एंड कार्स्टन वर्लहॉर्न 400 मीटर हर्डल्स। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कौन कौन कंट्रीज से यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हैं हमारे नीरज चोपड़ा जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। चलिए अब इफ यू टॉक अबाउट द 2022, दो हजार बाईस के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के बारे में बात किया जाए तो इट इज मैकलाफलिन लेवरोन एंड मोंडो डुप्लांटिस। बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहे थे, आई थिंक इट वॉज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो। चलिए मैकलाफलिन लेवरोन एंड मोंडो डुप्लांटिस आपके यहां पर वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर रहे थे। चलिए एनी वन हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? चलिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहे हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, एंड आई विल कंडक्ट अ सेपरेट सेशन फॉर स्पोर्ट करंट अफेयर्स टू डिस्कस विद, बिकॉज उसके साथ में हम सारे करंट अफेयर्स देख लेंगे कि कौन से अभी करंट में वेन्यूज है एशियन गेम्स के अंदर, कौन कौन सी कैटेगरीज में भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता या फिर मेडल लगा, वुमेन्स ने कौन सी कैटेगरी में पहली बार मेडल जीता। ठीक है, और वी विल डिस्कस वेरियस यूएस ओपन्स एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन्स, साथ ही जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स हो जाते हैं हम उसको एक सेपरेट सेशन कंडक्ट कर लेंगे, ताकि एक सेपरेट वीडियो रहे आपके पास में जिसे आप रिवाइज कर सकें, नोट्स प्रिपेयर कर सकें। ठीक है अमित त्रिपाठी जी, नम्रा जी, चलिए मूविंग ऑन। तो हियर इट इज अ न्यूज दैट एनटीपीसी लिस्टेड इन द वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023। तो एनटीपीसी जो है आपका नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये भारत की एकमात्र कंपनी बना है जो कि शामिल हुआ है फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स के अंदर। ठीक है, सो ये 700 कंपनीज के अंदर एकमात्र भारतीय कंपनी है जो कि वर्ल्ड के बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट के अंदर शामिल हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ध्यान रखिएगा, एकमात्र कंपनी है जो कि शामिल हुई है। फोर्ब्स की बिलियनर लिस्ट रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, और ओनली इंडियन कौन है फोर्ब्स की लिस्ट में, डेट इज तो मुकेश अंबानी फोर्ब्स की लिस्ट में ओनली भारतीय है टॉप 10 के अंदर, जो कि 9th पोजीशन पे है, और इनकी वर्थ अराउंड 83 बिलियन डॉलर्स है। और साथ में बात किया जाए अगर नंबर 1 पोजीशन में सबसे वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन के बारे में बात किया जाए, इट इज ठीक है, तो बर्नार्ड अर्नोल्ट अभी वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है विद अ वर्थ ऑफ $211 बिलियंस अराउंड। ठीक है, चलिए इसके रिगार्डिंग डिटेल्स देखते हैं। एनटीपीसी, एनटीपीसी को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड स्टैब्लिश कब किया गया था, 1975 के अंदर इसे स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्स कहां पर सिचुएटेड है इसका, न्यू दिल्ली के अंदर। देन चेयरमैन एंड एमडी कौन है इसके, गुरदीप सिंह जी। ठीक है, साथ में अगर बात किया जाए, एनटीपीसी भारत की सबसे लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी है, मीटिंग 1/4 ऑफ द कंट्री नीड्स। जी बिल्कुल अमित त्रिपाठी जी, बर्नार्ड अर्नोल्ट इज द रिचेस्ट पर्सन इन करंटली इन द वर्ल्ड, और ये एक सेंट्रल पीएसयू है आपका, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है। यू कैन आंसर इट इन कमेंट्स, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ पावर। चलिए इसे महारत्न 2010 में डिक्लेयर किया गया था, इससे भी आप नोट करके चल सकते हैं।
एक इम्पॉर्टेंट है, इफ यू टॉकिंग अबाउट द फ्यूल्स, तो बायोफ्यूल ब्रांडिंग का हमारा टारगेट जो था 2030 का, उसको हमने 2025 तक अटेंड करने की बात की है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप, जो बायोफ्यूल ब्लेंडिंग है, पहले हमने 5% से स्टार्ट किया, फिर 10% पे आया, अब हम डायरेक्ट 20% बायोफ्यूल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, जो कि एक जट्रोफा प्लांट से बनती है। साथ में बात किया जाए बायोफ्यूल के बारे में, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स को सेव करने के लिए। हम यहाँ पर जो क्रूड ऑयल की खपत है वो हमारी कम होगी, जिससे हमको फॉरेक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्रूड ऑयल कम परचेस करना पड़ेगा, जिससे हमारा फॉरेक्स इंक्रीज होगा, हमारा जो वैल्यू है करेंसी की वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के डेवलपमेंट और ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं वाई वाज विच रैंक वाज गिवन टू एनटीपीसी। चलिए, 261st रैंक यहां पर मिला है एनटीपीसी को आउट ऑफ 700 कंपनीज इन द वर्ल्ड रैंकिंग, एंड इट इज द ओनली इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू बी फीचर्ड इन द लिस्ट। ठीक है, तो 700 में से 261वां रैंक रहा है यहां पर एनटीपीसी का, और इंडिया की एकमात्र कंपनी है जो कि लिस्ट की गई है यहां पर। फोर्ब्स ने इसको रिलीज किया है। ठीक है, आपको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि एनटीपीसी जो कि 261वीं रैंकिंग पे रहा है, किस ये जो लिस्ट है वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर की, किसके द्वारा रिलीज की गई है, तो ध्यान रखिएगा फोर्ब्स के द्वारा इसे रिलीज किया गया है। क्राइटेरिया क्या रहे यहाँ पर, पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंट है, ट्रेनिंग एंड करियर एडवांसमेंट, अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एम्प्लॉय सेंट्रिसिटी एंड वर्क प्लेस डाइवर्सिटी किस तरीके से रहती है। चलिए जी, मूविंग ऑन, एनी वन हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस। जी बिल्कुल, अमित त्रिपाठी जी, आरके सिंह जी हमारे मिनिस्टर ऑफ पावर है, एंड ऑल्सो हरदीप सिंह पुरी इज अवर पेट्रोलियम मिनिस्टर। ठीक है, पेट्रोलियम मिनिस्टर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर कौन है आपके, हरदीप सिंह पुरी एंड आरके सिंह योर इज अ मिनिस्टर ऑफ पावर। चलिए, टॉकिंग अबाउट द 11th एडिशन ऑफ द सुल्तान जोहर कप 2023। ठीक है, तो 2023 का सुल्तान जोहर कप कहाँ पर हेल्ड किया जा रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं इंडिया वॉज द विनर ऑफ 2022, ठीक है, सुल्तान जोहर कप ऑल्सो, इट इज अ जूनियर टूर्नामेंट। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आपको पॉइंट भी नोट करके चलना है, यू कैन सी द जर्सी है, इट इज अ टेक स्टेट की, किसी स्टेट की यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, डेट इज ओडिशा। तो ओडिशा जो है भारतीय हॉकी का काफी समय से ब्रांड एम्बेसडर है, जिस तरीके से ओडिशा ने हॉकी को अपनाया है अपने स्टेट के अंदर, और सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड किए, स्टेडियम्स प्रोवाइड किए, टूर्नामेंट्स होस्ट किए हैं। तो नवीन पटनायक जी, सीएम ऑफ ओडिशा, ने बहुत ही अच्छा वर्क किया है टू लिफ्ट द हॉकी एज अ नेशनल गेम, और इसके आप फ्रूटफुल रिजल्ट आप देख सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि भारत ने ओलंपिक्स के अंदर, टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया,
मेंस कैटेगरी के अंदर, और वुमेन्स टीम ने फोर्थ फिनिश किया। तो बहुत ही ज्यादा मेजर डेवलपमेंट हॉकी के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं, ओडिशा के कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग भी। ठीक है, साथ में बात किया जाए एशियन गेम्स के अंदर, भारतीय पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया और भारतीय महिला टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो हम आशा करते हैं कि ओलंपिक्स के अंदर इस बार भारत को गोल्ड मेडल लगे इन द बोथ द कैटेगरीज। एंड आपके ओलंपिक 2024 के कहां पर कंडक्ट होंगे? एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, दैट इज टू बी कंडक्टेड इन पेरिस। 2028 के एलए में कंडक्ट होंगे, 2020 के कंडक्ट हुए टोक्यो के अंदर। चलिए 11th एडिशन ऑफ सुल्तान जोहर कप के बारे में हम यहां पर बात करें, तो 11th एडिशन इज शेड्यूल्ड टू बी टेक प्लेस इन द मलेशिया। मलेशिया में इसे हेल्ड किया जाएगा। हॉकी इंडिया हैज अनाउंस द 20 मेंबर, भारतीय हॉकी इंडिया एसोसिएशन ने अभी 20 मेंबर इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम को यहां पर अनाउंस किया है, जो कि पार्टिसिपेट करेगी आपके 11th सुल्तान ऑफ जोहर कप में। और कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं आपके? यू हैव हर्ड अबाउट द सुल्तान अजलन शाह कप। ठीक है, सुल्तान अजलन शाह कप काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल अमित त्रिपाठी जी, ये जो टूर्नामेंट है अक्टूबर 27 से नवंबर 4 के बीच में हेल्ड होगा। ठीक है, तो ये जो टूर्नामेंट है इसको भी हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग अवर करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स रिलेटेड सेशन वी विल कंडक्ट इन द अपकमिंग टाइम। आई विल लेट यू नो व्हेन इट इज टू बी कंडक्टेड। चलिए, 8 टीम्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो मेजर हॉकी टूर्नामेंट्स के बारे में बात किया जाए तो ओलंपिक्स गेम्स जो है हर 4 साल में हेल्ड होते हैं, जिसमें हॉकी पार्टिसिपेट करता है। एंड यू मस्ट ऑल रिमेंबर द विजार्ड ऑफ हॉकी, दैट इज अवर मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद इज रिगार्डेड एज अ विजार्ड ऑफ हॉकी एंड यू ऑल नो दैट ही हैज लेड विक्टोरियस टू इंडिया इन द मेनी ओलंपिक्स गेम रेंजिंग फ्रॉम द 1928, 1932, 1936। तो इन तीनों इवेंट्स के अंदर भारत को गोल्ड मेडल विन कराया था ओलंपिक्स के अंदर, ध्यान रखिएगा। चलिए, अभी हॉकी के जादूगर कौन बने हुए करंट में? हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, बहुत ही ज्यादा गोल्स हिट करते हैं, उनका ड्रैग फ्लिक जो है बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो रहा है इंडिया के गोल्ड मेडल टैली के अंदर। ठीक है, तो हरमनप्रीत सिंह भारत के करंट में कप्तान भी है। पीआर श्रीजेश जो भारत के गोलकीपर है। ठीक है, तो वर्ल्ड हॉकी कप कंडक्ट होता है इस बार, आपने देखा होगा। अमित त्रिपाठी जी, चेक करना पड़ेगा गोल्ड मेडल का वेट। चलिए, चैंपियंस ट्रॉफी, अमित त्रिपाठी जी आप रिप्रेजेंट कीजिए ओलंपिक्स के अंदर और गोल्ड मेडल लेके आइए। विच एवर स्पोर्ट्स यू प्ले, आई थिंक आई यू यू प्ले क्रिकेट, तो 2028 की आप तैयारी कीजिए लॉस एंजलिस के लिए। एंड आई एम श्योर दैट इफ यू प्रिपेयर वेल एंड यू कैन ऑल्सो अचीव दिस फिट। चलिए, हॉकी चैंपियंस लीग कंडक्ट होता है, उसके बाद में आप देख सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर हॉकी कंडक्ट होता है। सुल्तान अजलर शाह हमने बात किया, सुल्तान इब्राहिम इस्माइल हॉकी टूर्नामेंट भी आपका कंडक्ट होता है अंडर 21 कैटेगरी के अंदर। जी बिल्कुल अमित त्रिपाठी जी, मैं तो लेफ्ट आर्म स्पिन करता हूँ, तो बिल्कुल शामिल हो जाऊंगा आपके साथ में। चलिए, टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट डेज ऑफ द अक्टूबर, हमने डिस्कस किया था इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, काफी इंपॉर्टेंट था। इस दौरान आपने देखा होगा कि यूएसए की फर्स्ट लेडी जिल बाइडन ने एक इंडियन ओरिजिन इन्वेंटर को यहाँ पर अवॉर्ड किया था। ठीक है, तो वो कौन थी आपकी? गीतांजलि राव। ठीक है, गीतांजलि राव को यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के उपलक्ष्य में यहाँ पर इनको सम्मानित किया था यूएसए की फर्स्ट लेडी जिल बाइडन के द्वारा। ये एक इंडियन ओरिजिन की इन्वेंटर है।
अमित त्रिपाठी जी, कोई दिक्कत नहीं, आप काम कीजिए कि अच्छे से खेलना स्टार्ट कीजिए। किसी एकेडमी के सर को अप्रोच कीजिए, वहां पर आप जाकर बात कर सकते हैं कि सर मुझे बहुत अच्छे से खेलना आता है, आप मुझे अपॉर्चुनिटीज दीजिए, मैचेस प्ले कराइए, एंड आई विल श्योरली नेवर लेट यू डाउन। और मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा अपनी जितनी मेहनत कर सकता हूँ टीम को जिताने के लिए, जितना डेडिकेशन देना है वो सभी मैं ट्राई कर सकता हूँ। मुझे आप ट्राई भी कर सकते हैं थोड़े दिन तक, और इफ़ आई डोंट गिव यू रिजल्ट डोंट इंक्लूड मी, बट आई विल श्योरली वर्क ऑन माई फिटनेस, माई ऑन माई गेम। ठीक है, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। यू नीड जस्ट अपॉर्चुनिटी, आप कॉलेज के लिए प्ले कीजिए, आप किसी क्लब के लिए प्ले कर सकते हैं, वहाँ पर सिर्फ टैलेंटेड पीपल्स रिक्वायर्ड रहते हैं, नॉट रिक्वायर्ड दे एनी फंडिंग। ठीक है, चलिए अमित त्रिपाठी जी, एनी ऑफ द नीड यू रिक्वायर्ड फ्रॉम द अनअकैडमी रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, वी आर हियर फॉर यू। कुछ भी सेशन आपको चाहिए, कोई भी रिगार्डिंग आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड कर सकते हैं ड्यूरिंग इन योर स्टडीज सेशंस रिक्वायर्ड, और आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेटेजी रिक्वायर्ड है तो यू कैन आस्क अस। चलिए, 13th of October वी सेलिब्रेट वॉट वर्ल्ड स्टैंडर्स डे ऑन वर्ल्ड ई वेस्ट डे। इंपॉर्टेंट डे इज ऑल्सो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 1995 और 1994 में इसको स्टार्ट किया गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द डीप अबाउट द 15th of October वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, किसके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। और करंट में हमने सेलिब्रेट किया 2023 के अंदर एज 92nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एंड ऑल्सो ही इज द प्रोजेक्ट हेड ऑफ द इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देन ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 2002 टू 2007, एंड ऑल्सो द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड ऑल्सो ही इज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। वर्ल्ड फूड डे, रोम इटली, ध्यान रखिएगा। फूड एग्रीकल्चर, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर सिचुएटेड है आपका, रोम इटली के अंदर। ठीक है, देन इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी इज सेलिब्रेटेड और ऑब्जर्व ऑन द 17th of October। देन इंपॉर्टेंट डे इज टू बी कंडक्टेड, दैट इज नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेशनल यूनिटी डे कंडक्ट किया जाएगा, और इस दौरान हमने सेशन में डिस्कस किया था एक ऑटोनोमस बॉडी का क्रिएटमेंट हुआ है। तो इस ऑटोनोमस बॉडी की लॉन्चिंग भी हम देखेंगे नेशनल यूनिटी डे के दौरान की जाएगी, मेरा युवा भारत। और मिनिस्टर कौन है यहाँ पर, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है आपके अनुराग ठाकुर जी। जी बिल्कुल, चलिए मूविंग ऑन। तो इट इज अवर सेक्शन ऑफ द पीपी, वी ऑलवेज हैव टेक PPDD images and also regarding the preparation of SSB in our daily sessions. So it is our section for today. जी बिल्कुल, चलिए। तो PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, एंड ऑल्सो देर इज थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। तो थीमेटिक और PPDT में क्या डिफरेंस रहता है, एक बेसिक सा डिफरेंस रहता है। PPDT के अंदर जो आपकी इमेज होती है वो बहुत सी ब्लर्ड सी रहती है, एकदम इतनी ब्लर्ड रहती है कि आपको बहुत ही ज्यादा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर कैरेक्टर भी है भी कि नहीं, और कौन से कैरेक्टर है, मेल है या फीमेल। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ब्लर्ड सी इमेज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ SSB, और मैनी टाइम्स ऐसा मैंने खुद ने फेस किया है कि बहुत ब्लर्ड सी इमेज है कि इसके अंदर पहचान भी नहीं पा रहा हूं कि कितने कैरेक्टर्स थे उस वक्त। ठीक है, तो इसमें आपका परसेप्शन चेक किया जाता है कि आप किस तरीके से परसीव करते हैं उस कैरेक्टर को, उसकी पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ड्यूरिंग द SSB फॉर द स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग पार्ट के अंदर उसका परसीव कि बैकग्राउंड क्या है, मेल है या फीमेल है, एज क्या है और मूड क्या रह सकता है उस दौरान, अगर आप इन चीजों को बहुत ही अच्छे से परसीव करते हैं तो आपकी स्क्रीनिंग के चांसेस बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत मैटर क्या करता है PPDT के अंदर, आप किस तरीके से परसीव करते हैं इमेज को।
इसलिए इसका नाम रखा गया है पिक्चर परसेप्शन। और टीएटी के अंदर आपको अपनी ओएलक्यूज दर्शानी होती है, जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होती है वो आपको दर्शानी होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीएटी। चलिए आप बता सकते हैं इसके अराउंड आप क्या स्टोरी फॉर्म कर सकते हैं। टोटल 4 कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, तो आप सजेशन दे सकते हैं कि स्टोरी में करंट में हो क्या रहा है। ठीक है, 3 पॉइंट्स के रिगार्डिंग हम प्रिपेयर करते हैं। व्हाट लेड टू सिचुएशन, व्हाट इज अवर करंट सिनेरियो, एंड वॉट विल बी द पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो यू कैन सजेस्ट मी रिगार्डिंग दिस पिक्चर की इस पिक्चर के रिगार्डिंग आपको क्या लग रहा है, करंट में इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, या फिर आपने अपनी लाइफ में कब ऐसी सिचुएशन देखी थी उसको रिलेट करके आप जल्दी से बता सकते हैं कमेंट में। बिल्कुल अमित त्रिपाठी जी, तो मीटिंग यहाँ पर कंडक्ट हो रही है या फिर हम किसी इवेंट को कंडक्ट करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर साथ ही कोई डिस्कशन कर रहे हैं, अपनी मीटिंग ले रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, अपकमिंग प्रोसेस। सिर्फ मीटिंग नहीं, आपको अपना जैसे कि आप यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं, इंक्लूड कीजिए 4 से 5 एक्शंस को इस स्टोरीज के अंदर। जैसे कि हम बात करें कि ये जो 4 पर्सन है कि स्कूल प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये अपना अपकमिंग इवेंट के लिए एक प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं, या फिर हम यहाँ पर ले सकते हैं कि इनको एक टास्क दिया गया, ये एक मीटिंग कल्चरल कमेटी की मीटिंग होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, ही इज द प्रेसिडेंट, ये आपका मेन कैरेक्टर हो सकता है, प्लस पॉजिटिव मेल 22। ठीक है, कॉलेज की मीटिंग यहाँ पर कंडक्ट हो रही है कल्चरल इवेंट से रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसको कि सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास में कल्चरल मीटिंग के अराउंड क्या क्या रिसोर्सेज हैं, किसको चीफ गेस्ट रखना है, आफ्टर दैट रिफ्रेशमेंट का कैसे अरेंज करना है, किस तरीके से इसका पोस्टर रखा जाएगा, इवेंट वेन्यू क्या रखना है, ठीक है, किस किस कैटेगरी में कॉम्पिटिशन कंडक्ट कराने, और हमारे चीफ गेस्ट कौन कौन रहेंगे, किस तरीके से हम वेरियस वॉलेंटियर्स को शामिल करें इसके अंदर, इस तरीके से आप इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर वैट वर्ड्स ऑफ द डे के बारे में बात किया जाए, डेट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, इसको ध्यान रख सकते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट रिलेटेड टू विच इट इज रिगार्डेड एज अ वर्ड्स को रिलेट करना अपनी पर्सनैलिटी के साथ में। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या लगता है इस वर्ड्स को देखकर, आइडिया से रिलेटेड आपके माइंड में क्या थॉट्स आते हैं, बिकॉज यहाँ पर जितना भी प्रोसेस है ड्यूरिंग द साइक आपका वर्क करता है किसके रिगार्डिंग, आपका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर वर्क करता है। तो आइडिया के रिलेटेड आपके माइंड में क्या आता है, जैसे आइडिया के रिलेटेड मेरे माइंड में आता है कि वाइल सिटिंग इन अ ग्रुप विथ फ्रेंड्स आई जनरेट लॉट ऑफ आइडियाज, वाइल डिस्कसिंग माई फ्यूचर प्लान्स माई फ्रेंड्स गिव मी अ गुड आइडियाज। ठीक है, तो इस तरीके से आपके माइंड्स में आइडियाज आने चाहिए रिलेटेड टू द वर्ड एसोसिएशन, किस तरीके से आप रीड करते हैं। जैसे बुक्स के रिगार्डिंग आते हैं कि बुक्स इज अ गुड मेंटल एक्सरसाइज, तो बुक्स रीडिंग इज माई हॉबी, तो इसके रीडिंग बुक्स गिव्स मी अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन पावर। तो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के अंदर।
चलिए, एनीवन हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? सो टुडेस लेक्चर है टॉपिक इज व्हाट, वुमेन इन द आर्म फोर्सेस. सो यू कैन हाईलाइट द रोल्स ऑफ वुमेन इन द आर्म फोर्सेस. किस तरीके से वुमेन जो है हमारी वर्क कर रही है आर्म फोर्सेस के अंदर, वेरियस पोजिशंस पे लीड कर रही है, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है आर्म फोर्सेस के अंदर. बिकॉज आप देखते हैं कि वुमेन्स की कैपेबिलिटीज जो है सबसे हाईएस्ट होती है. वी टॉक अबाउट द मेंटल, मेंटली किस तरीके से प्रेशर हैंडल करती है हमारे. इफ़ वी टॉक अबाउट इन द वेरियस सेक्टर्स वुमेन काफ़ी अच्छा लीड कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि वुमेन्स का रोल कैसा रह सकता है आर्म फोर्सेस के अंदर. स्टार्टिंग फ्रॉम इट वी यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. करंट सिनेरियो क्या है, कहाँ कहाँ पर वुमेन्स टॉप कर रही है, किस सिचुएशंस में वुमेन्स के वुमेन्स यहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट कर रही है. जैसे कि आप नाम ले सकते हैं अवनी चतुर्वेदी जी का, सुरभि जखमोला जी, एंड आफ्टर दैट शिवा चौहान. ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल्स को. देन आफ्टर डेट यू हैव टू मार्क द पॉजिटिव चैलेंजेस, पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, चैलेंजेस एंड देन कंक्लूजन्स. आपको कंक्लूड कैसे करना है, सजेशंस प्रोवाइड करके. ठीक है, और दोनों पॉइंट्स को लेके, पॉजिटिव पॉइंट्स को लेके और नेगेटिव पॉइंट्स को लेके. लेक्चर एड्स में आपको कितने मिनट्स मिलते हैं, 3 मिनट्स टू प्रिपेयर एंड 3 मिनट्स टू डिलीवर योर नरेशन. चलिए, ग्रुप डिस्कशन टॉपिक ऑफ द डे क्या आपका रहा, इज सोशल मीडिया एक्चुअली कनेक्टिंग द पीपल. सो व्हाट आर योर थॉट्स रिगार्डिंग दिस, यू कैन डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स. एक बहुत ही अच्छा पॉइंट रहता है जीडी के अंदर कि आप अपने ग्रुप को लीड करें टू अ न्यू डायरेक्शन ऑफ अ टॉपिक. ठीक है, किसी एक पॉइंट को इंट्रोड्यूस कीजिए, कोई क्वेश्चन डाल दीजिए, पुट कीजिए, किसी अपने ग्रुप फ्रेंड्स को सजेस्ट कीजिए, उसको इन्फ्लुएंस कीजिए कि आप बताइए आपके पॉइंट्स क्या है, व्हाट आर योर पॉइंट्स, चेस नंबर, दिस दिस. इस तरीके से आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं जीडी के अंदर. तो हमारा टॉपिक क्या है आज का, इज सोशल मीडिया एक्चुअली कनेक्टिंग द पीपल्स. चलिए, तो देख सकते हैं आज के सेशन में हमने काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कंडक्ट किया. दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे एंड ऑल्सो टॉक अबाउट द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिगार्डिंग द बैचेस. फर्स्ट वी हैव टॉक अबाउट द इंडिया इज लाइकली टू साइन द डील विद द यूएस फॉर द 31 MQ-9B रीपर ड्रोन्स बाय द फेब्रुअरी 2024. तो 2024 में हम एग्रीमेंट करेंगे यूएसए के साथ में. कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स रहते हैं हमारे, लेमोआ रहता है, बेका रहता है, जो कि हम साइन करते हैं यूएसए के साथ में फॉर एनी ऑफ द बिजनेस और एनी ऑफ द एग्रीमेंट टू बिकम द पार्टनर ऑफ द यूएसए. चलिए, देन हमने टॉक किया यहाँ पर कि MQ-9 रिपर ड्रोन्स क्या होते हैं, आर्म फोर्सेस के लिए किस तरीके से ये शामिल किए जा सकते हैं और क्या प्रोवाइड करेंगे. स्काई गार्डियन जो कि इसका स्काई वर्जन, एयर वर्जन रहता है, और सी गार्डियन जो कि सी को गार्ड करने के लिए रहता है. इंडियन नेवी इसे 2020 से यूज कर रहा है, सी गार्डियन को. 40,000 फीट तक ये ऑपरेट कर सकता है. इसका एंड्योरेंस जो है 40 आवर्स तक का है. ठीक है, देन आफ्टर डेट ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग ये कंडक्ट करता है, डिटेक्ट करता है अवॉइड सिस्टम को, रडार को ये चकमा देने के लिए काफी कारगर साबित होता है. देन वेरियस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू, लॉ एनफोर्समेंट, देन बॉर्डर एनफोर्समेंट, एयरबोर अर्ली वार्निंग. ठीक है, 2 pilots इसे कंट्रोल करते हैं ग्राउंड के थ्रू. आपने काफी ज्यादा मूवीज के अंदर देखा होगा आई एम श्योर कि यूएसए के जो आई एम नॉट रिमेम्बर वन हॉलीवुड मूवी जिसमें इसको दर्शाया गया था कि कहीं पे सीरिया के अंदर, सीरिया और सब मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर यहाँ पर इसे कंडक्ट किया गया था. एक जो ड्रोन को कंडक्ट कर रहा था यहाँ पर, ठीक है, तो वो फ्लाई कर रहा था और दे हैव लॉक द टारगेट, समथिंग काइंड ऑफ अ मूवी. वो कहते हैं कि हमने टारगेट लॉक कर दिया और ऑल ऑफ द सडन एक मिसाइल आता है और उस घर के अंदर हिट कर देता है. ठीक है, तो वो ड्रोन के थ्रू यूज किया गया था 40,000 फीट के ऊपर से, और समवेयर इन द यूएसए द मैन वॉज हेल्डिंग कंट्रोलिंग द ड्रोन. तो आप देख सकते हैं इसकी कैपेबिलिटीज कितनी हाई रहती है.
यू कैन ऑल्सो रेफर मूवीज, आप हॉलीवुड मूवीज देख सकते हैं, मिलिट्री मूवीज, जिससे आपका इंस्टिंक्ट डेवलपमेंट होगा हाउ द मिलिट्रीज ऑफ वर्ल्ड वर्क अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, कैसे वर्क करती है। वेरियस मूवीज है, जैक रीचर आप देख सकते हैं, ठीक है, जैक रीचर काफी अच्छी मूवीज है। एंड ऑल्सो आई विल सजेस्ट यू इन द नेक्स्ट सेशन अबाउट द वेरियस मूवीज आई हैव सीन। चलिए, डीआरडीओ निशांत, डीआरडीओ अभ्यास एंड डीआरडीओ घातक आर्चर, ये भारत के ड्रोन्स हैं। आफ्टर डेट यू कैन सी दैट त्रिनेत्र, डीआरडीओ रुस्तम, लक्ष्य। ठीक है, आफ्टर दैट सिचुएशन इन द गाजा इज स्पिरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल, WHO चीफ एंड रशियन पुतिन विजिटेड द चाइना, इट इज द हाईलाइट ऑफ द डे। एंड इंडियन नीरज चोपड़ा नॉमिनेटेड फॉर द मैंस एथलीट ऑफ द ईयर फॉर द 2023 एंड ही इज ऑल्सो बिकेम द लोरियस एम्बेसडर ऑफ द स्पोर्ट। साथ ही ये स्विट्जरलैंड के ब्रांड एम्बेसडर है, ये ध्यान रखेगा, स्विट्जरलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर भी इन्हें बनाया गया था। आफ्टर डेट ये देख सकते हैं 11 एथलीट जो कि नॉमिनेटेड है यहाँ पर वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए, मैंस कैटेगरी वी आर टॉकिंग अबाउट। देन मैकलाफ्लिन लेवरोन एंड मोंडो डुप्लांटिस आपके 2022 के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर रहे थे। एनटीपीसी को बनाया गया था वर्ल्ड का बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 के लिए। और बात किया जाए यहाँ पर कि ये एनटीपीसी इस्टेब्लिश हुई थी आपकी 1975 के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर, और चेयरमैन और एमडी कौन है आपकी, गुरदीप सिंह जी। चलिए, 261वीं रैंकिंग पर रहा इस दौरान 700 कंपनीज के अंदर, फोर्ब्स के द्वारा इसे रिलीज किया गया था। और 11th एडिशन ऑफ सुल्तान जहर कप, 10th एडिशन के बारे में बात किया जाए तो भारत ने इसे जीता था। और 11वां एडिशन आपका मलेशिया में हेल्ड होगा सुल्तान जोहर कप का। After that, major hockey tournaments you can, and also we have discussed the important days, then we have discussed the sections of that. So I am sure आपको session पसंद आया होगा। Anyone having any doubt regarding this, just ask in the comment section. And here is an information for you all that Safalta CDS 2.2 batch will be conducted by us from the October 26. You can enroll for this important batch which will help you to ace in your examination, complete preparation for CDS examination, 3 months live comprehensive batch, topic wise notes available, ठीक है। तो इस batch को conduct किया जा रहा है Unacademy के द्वारा। You can check the description for the link and also the various faculties is participating for your examination preparation. चले, देन ऑल्सो द संकल्प 2.0 एनडीए कंप्लीट बैच 2024 एंड दैट द एग्जाम टू बी कंडक्टेड इन द अप्रैल, बोथ द सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन द सेम डे। चलिए, एनीवन हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सेशन से जुड़ने के लिए। एंड आई एम श्योर जल्द मुलाकात होगी 9:30 अनअकैडमी स्पेशल क्लास पर, और साथ ही में 1 PM, ठीक है, 1 PM का MCQ सेशन रहेगा, जरूर ज्वाइन कर सकते हैं आप इसको अनअकैडमी पर। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सेशन से जुड़ने के लिए। इस सेशन को आप शेयर कर सकते हैं, अपने डिफेंस एस्पिरेंट के सेशन पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर अपकमिंग क्लासेस नोटिफिकेशन एंड डिटेल्स रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। तो सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, शुभकामनाएं आपको, जय हिंद, जय भारत।